आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, घनी खम्मा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम रॉयल रैप्सोडी मारो राजस्थान गाने की एक फॉर्मल लॉन्चिंग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा गाने के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। थीम थी कि जो राजस्थान फाउंडेशन का भी एक मोटो है कि NRR को अपनी रूट से कनेक्ट करना। इस गाने के गायक और कंपोजर साहब चिंटू जी को आवाज देना चाहती हूँ। गुड टू सार्थक जी। एक्चुअली एज ए कंपोजर हमेशा यही रहता है कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए, कुछ समथिंग क्रिएटिव हो, जो बनता गया और बन के आज आप सबके सामने है। तो आए उस गाने की झलक सुनते हैं, देखते हैं। पधारो मारे देश, पधारो सा आओ जी, पधारो मारे देश, केसरिया बनना थे हो। तारारी है चूनर माथे, बालो राधोरारी, मखमल चम 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 कैसे, आओ जी पधारो मारे देश। अभी आपने गाना सुना, चाहती हूँ धीरे श्रीवास्तव जी से कि जैसा भी जिस तरीके का भी वो टूटा फूटा आप तक पहुंचा है, आप अपने विचार हम तक साझा करें। ओवर टू यू धीरज सर। जो लोग भी शरीक है खमागड़ी सगला ने मेरी बहुत बहुत राम राम। इस राजस्थानी कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए इतने सुंदर प्रोग्राम को जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपको मेरा सलाम। मारो राजस्थान सॉन्ग के जरिए जो राजस्थान के कल्चर को पूरे दुनिया के विश्व के पटल पर लाने के लिए और हम सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आयुषी जी आपको खास तौर पे, हमारे भाई सार्थक कल्ला जी को, उनकी पूरी टीम को, जो सब इस सॉन्ग से जुड़े हैं उनको सबको साधुवाद देता हूं। राजस्थानी फोक सॉन्ग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और फ्यूजन के माध्यम से इनको सामने लाना एक अपने आप में बड़ी आर्ट है, एंड विच रिप्रेजेंट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ दिस ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक विद कंटेम्प्रेरी एलिमेंट, एंड इन दिस काइंड ऑफ फ्यूजन आई मस्ट से दैट आर्टिस्ट ब्यूटिफुली कंबाइन द रिदमिक एंड फोक म्यूजिक विद मॉडर्न स्टाइल्स, क्रिएटिंग अ कैप्टिवेटिंग एंड मेलोडियस ब्लेंड ऑफ राजस्थानी रिच कल्चरल हेरिटेज। तो it is incredible. I am grateful for this opportunity to listen to your work and witness the fusion of this song with such modern element. We will join hands to take it further. Sis, may this song reach great heights, resonate with people around the world. Aaj hamare sath pure Germany se, London se, New York se और युगांडा, अफ्रीका, सब तरफ से मैं लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और आप सबको बताना चाहूंगा कि आपने देश और प्रदेश के कल्चर को दुनिया में प्रमोट करने के लिए आप सबका तहे दिल से सम्मान करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिस इट्सेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर राजस्थान फाउंडेशन, कि राजस्थान फाउंडेशन को ऐसे प्रोग्राम को करने का मौका मिल रहा है, आप लोग के सामने लाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर धीरज सर, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे कला प्रेमी हैं, और हम में से जितने लोग जुड़े हैं उनको तो कुछ लोगों को सौभाग्य भी मिला है उनकी गजलें सुनने का। तो मैं आप चलती हूँ सबसे पहले दिलीप जी पुंगलिया के पास में, क्योंकि ये आइडिया सबसे पहले मैंने उन्हीं के साथ में शेयर किया था, और मैं चाहती हूँ कि वो मायड़ भाषा में बताएं कि उन्हें गाना कैसा लगा और वो क्या सोचते हैं। अभी पिछले दिनों जब वो जोधपुर प्रवास पे थे तो इस विषय पर बात भी हुई थी, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है एज अ एल्डर ब्रदर। दिलीप जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आयुषी जी। आयुषी जी गाना बहुत शानदार है, जैसे आपके शब्द हमेशा रहते हैं, बहुत सारी आपकी कविताएं पाठ सुने हैं तो बहुत अच्छा लगा। राणा जी से जो जर्मनी से हैं, हरगोविंद जी,
आप आइए और आप कुछ कहिए। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है जी। आयुषी जी थैंक यू सो मच, आपको इन पर्सन सुनने का मौका मिला, इट वॉज रियली इंस्पायरिंग, रियली ग्रेट। धीरज साहब थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस। आयुषी जी आई वुड से बहुत ही अच्छा गाना है, थैंक्स टू यू एंड योर टीम। हम लोग अपने राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी के पेज पे वी विल प्रमोट एज मच एज वी कैन, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, सो दैट पीपल लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसकी रीच जितनी ज़्यादा हम यूरोप लेवल पे बढ़ा सकते हैं वी विल डेफिनेटली डू इट। In fact, I would request all the head of associations, Romit sir, Haren sir, Dilip sir, Dheera sir, कि हम लोग जितना इनको अपने pages पे भी promote कर पाएंगे, I think इसकी reach काफी दूर तक जाएगी। And yes, we will definitely do. हम चलते हैं वापस से रोमित पुरोहित जी की तरफ कि उन्हें ये गाना कैसा लगा। First of all, thank you to Dheera Srivastav ji to getting this. This thing on this platform, and since you know मैं तो music lover हूँ और चिंटू का तो मैं छोटे fan जो तो आना ही था, तो काफ़ी सारी वजह थी आने की, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी राजस्थान। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द सॉन्ग इज मैंने सुना ये और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जैसे धीरज जी ने बोला कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ म्यूजिक स्कॉर्ड और जो बैकग्राउंड स्कोर है इसके अंदर, और जिस तरीके से आपने उसके अंदर मारवाड़ी भाषा के अंदर गाया है, so I would call it as a rocking maro Rajasthan। हमारे साथ में मंजू लोढ़ा जी हैं। मंजू जी आपका बहुत स्वागत, और हम चाहेंगे बहुत ही संक्षिप्त आप एक छोटी सी कविता भी सुनाएं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर कार्य किया है, और आपके जो गीत का नाम है मारो राजस्थान, ये सुनते ही राजस्थान की याद आ जाती है हमें। हम जैसे कि मुंबई में बैठे हैं, लेकिन हमारा जो भी बचपन बीता है वो राजस्थान में ही बीता है। तो आपके जिस तरह के इला अरुण, श्रेया घोषाल को जो विश्व रंग मंच पर उनको जो सफलता मिली है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसी ही सफलता मिले। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। राजस्थान फाउंडेशन, कनेक्टिंग नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज़।